हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या ऐसा बेनिफिशियल है जो आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा? तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हाउ बड़ा बस्टर्ड के ऊपर एक आर्टिकल आया कि पाकिस्तान ने कतर के जो रॉयल्स हैं, कतर के जो किंग और उनके जो प्रिंसेस हैं, उनको परमिशन दे दी है कि इस बर्ड को हंट करने के लिए। बेसिकली पाकिस्तानी जो नेशनल्स होते हैं उनको अलाउड नहीं होता, बट वो अपने गुडविल जेस्चर के लिए, अपना इंटरनेशनल रिलेशंस उन कंट्रीज के साथ अच्छा करने के लिए, अरब्स कंट्रीज के साथ अच्छा करने के लिए, वो ऐसी परमिशन उनके रॉयल्स को पहले भी देते रहते हैं। तो देखते हैं कि हाउबरा बस्टर्ड के बारे में आपको क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। उससे पहले देखेंगे कि पास्ट ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2016 प्रीलिम्स के अंदर खराई कैमल के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब खराई कैमल के क्या फीचर्स हैं, वो क्या उसके स्पेशल क्वालिटीज हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। फिर 2016 के अंदर दोबारा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है उसके हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब एशियन हाउबरा बस्टर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। पहला, इसके IUCN स्टेटस से रिलेटेड स्टेटमेंट डाली जा सकती है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो अभी ये स्टेटमेंट कह रही है कि हाउबरा बस्टर्ड इज वल्नरेबल, तो दिस इज करेक्ट, ये वल्नरेबल है। एंड ये उसके सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि इन द अर्ली स्प्रिंग ग्रुप्स ऑफ एशियन हाउबरा बस्टर्ड रिटर्न टू देयर ब्रीडिंग हैबिटेट्स इन चाइना, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस। तो इनके ब्रीडिंग एरिया के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ब्रीडिंग हैबिटेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए इंडियन हाउबरा बस्टर्ड के बारे में। तो उस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये कुछ डिटेल इसके अंदर है कि इसका जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो ये मिडल ईस्ट से लेके और अरेबियन पेनिनसुला के अंदर आपको मिलता है। और ब्रीडिंग जो है इसकी सेंट्रल एशिया, चाइना का बॉर्डर, उस एरिया में होती है। और फिर ये विंटर्स को स्पेंड करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं या फिर और जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वहां आते हैं। ब्रीडिंग इनकी कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, उधर होती है। और विंटर स्पेंड करने ये अरेबियन पेनिनसुला, पाकिस्तान, उस एरिया में आते हैं। और ये कुछ जो है सऊदी अरब वाले एरिया में भी होता है और UAE, इन कंट्रीज के अंदर ओमान, यमन, तो ये कुछ कंट्रीज हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इन कंट्रीज में ये पर्टिकुलर स्पीशीज मिलती है। अब न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये एक आर्टिकल था कि रशिया अनवील्स द स्पेस बेस्ड मिसाइल अलर्ट सिस्टम। तो रशिया ने एक नया मिसाइल अलर्ट सिस्टम जो है उसको इन्वेंट किया है, तो वो इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड था। तो देखेंगे कि पास्ट ईयर में इस इंफॉर्मेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीलिम्स 2018 के अंदर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये सिस्टम जो है इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये अमेरिकन मिसाइल सिस्टम है और ये जो है जापान के अंदर और साउथ कोरिया में उन्होंने डिप्लॉय किया था, नॉर्थ कोरिया से जब थ्रेट बढ़ रहा था। तो हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है ये थर्ड की फुल फॉर्म है। तो इसी बेस पे आपसे जो रशियन सिस्टम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कुपोल और डोम। बेसिकली जो सिस्टम है उसका नाम रशिया ने कुपोल और डोम रखा है। तो ये पहली स्टेटमेंट हो सकती है, इट इज अ स्पेस बेस्ड मिसाइल अलर्ट सिस्टम। या फिर अगर कोई नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कुपोल और डोम मिसाइल सिस्टम, मिसाइल अलर्ट सिस्टम इज एस्टेब्लिश बाय या इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, वो चार ऑप्शन डाल सकते हैं। ये जैसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर है, एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम थ्री सैटेलाइट्स नेम टुंड्रा हैव ऑलरेडी बीन इनटू स्पेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल से मिल जाएगी। अब ये डिटेलिंग है इसकी कि उसका नाम जो है कुपोल और डोम रखा है रशिया ने, और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च को डिटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, टू डिटेक्ट द लॉन्चेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड ट्रैक देम टू देयर लैंडिंग साइट, उनको ट्रैक करने के लिए भी। और इसके अंदर जो वार्निंग सैटेलाइट्स है उसका नाम टुंड्रा रखा गया है और थ्री वार्निंग सैटेलाइट्स है, तो टुंड्रा के ऊपर भी एक स्टेटमेंट ऐसी पुट की जा सकती है।
अब ये नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोपिंग का केस काफी न्यूज में था, ये पिछले 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है। पहले जो है एक इंडियन रेसलर के ऊपर एलिगेशन लगे थे, और अभी भी कुछ इंडियन एथलीट्स के ऊपर एलिगेशन लगे हैं डोपिंग के, तो इसलिए नाडा जो है अब न्यूज में चल रहा है। तो देखते हैं नाडा के ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी डाल सकते हैं वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1890 का जो है उसके अंदर ये रजिस्टर्ड है। तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डोप फ्री स्पोर्ट्स का, डोप फ्री स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर करने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब जो और इसके ऑब्जेक्टिव है कि वाडा का कोड होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो एक कोड बनाती है, वो कुछ रूल्स बनाती है, उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास, नाडा के पास है। और जो है कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेट करना है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाडा के पास है। और फिर रिसर्च को करना, अब इन चीजों को लेके भी स्टेटमेंट में पुट किया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब हिंदू के अंदर और बाकी न्यूज़पेपर्स में भी ये हेडलाइन आई थी आज, ट्रिब्यूनल रीइंस्टेटेड मिस्त्री एज द टाटा सन्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये काफी पुराना डिस्प्यूट है 3-4 साल पहले, कि कैसे जो प्रमोटर्स हैं टाटा ग्रुप के, उन्होंने साइरस मिस्त्री को रिमूव कर दिया था क्योंकि डिफरेंसेस थे उनके, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, काम करने के तरीके के डिफरेंसेस, इन चीजों को लेके जो है साइरस मिस्त्री को रिमूव किया गया था। अब इसके अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है? देखें ये जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर मेंस के अंदर एथिक्स के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर केस स्टडी के अंदर ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। और प्रीलिम्स के अंदर जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर कुछ कमेटीज हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो ये ट्रिब्यूनल है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके बारे में भी आपको कुछ एक जानकारी होनी चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 3 कमेटी हैं, कोटेक कमेटी, जे ईरानी कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। तो वैसे ये तीनों करेक्ट है, इसके अलावा और भी कुछ कमेटीज हो सकती हैं, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, एनआर नारायण मूर्ति कमेटी, ये रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। और कोटेक कमेटी ये भी रिसेंट है, 2017 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजी थी, सेबी को भेजी थी। अब ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके बारे में भी काफी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये जो है कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया है, तो ये एक्ट किस कानून के अंदर बनाया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, किस एक्ट के अंदर बनाया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसका फंक्शन क्या है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके जो जजमेंट होते हैं उसके अगेंस्ट अपील आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में करते हो, तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो जजमेंट होता है उसके अगेंस्ट अगर कोई अपील करनी हो तो आप इस ट्रिब्यूनल में जाओगे। और इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड के अंदर भी जो एनसीएलटी कुछ जजमेंट देता है उस केस में भी आप इसी ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके कुछ एक जजमेंट हो तो उसके अगेंस्ट भी अगर आपको अपील करनी है तब भी आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट अगर कोई जजमेंट, उसके जजमेंट के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तब भी आप इसमें जाओगे। और ये भी कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन बनाए गए हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आज के न्यूज़पेपर से जो आपको पता होनी चाहिए और प्रीलिम्स 2020 में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।